एवरीवन, दिस इज योर फेजी फ्रीक। और ये देखो कौन सी गाड़ी है ना, बाकी लोगों नजर आ नहीं रहा, स्टेयरिंग से आप पहचान जाओगे। ये है अपनी टाटा कर्व। अभी ईवी का रिव्यू हो चुका था, लेकिन अभी पेट्रोल डीजल में भी लॉन्च हो चुकी है गाड़ी। प्राइसिंग बहुत ढांसू रखी है यार, 10 लाख रुपए से गाड़ी स्टार्ट होने वाली है। और क्या ही चाहिए, बसाल की तो खटिया खड़ी होने वाली है। खैर अब यहाँ पर ना मेरे पास में ना चाबी है और बैटरी उतर चुकी है इस गाड़ी की, तो टच स्क्रीन या ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन क्या क्या चीजें है ना वो देख लेते हैं। ये टॉप एंड है भाई अपनी। इंटीरियर में ना यहाँ पर जो चेंजेस है ईवी के मुकाबले, यहाँ पर डुअल टोन, वहां पर आपको ब्लैक और व्हाइट टाइप था, यहाँ पर ये मरून टाइप फिनिश दी गई है जो कि बहुत स्पोर्टी लग रही है। मतलब लैम्बोर्गिनी का फुल टू फुल यहाँ पर रेप्लिका आपको देखने को मिलेगा भाई। ये टॉप एंड मॉडल है अपना एकम्प्लिश्ड, तो यहाँ पर ये वायरलेस चार्जिंग पैड आप देख रहे हो, मोड्स आपको मिल जाएंगे अलग अलग, पेट्रोल और डीजल दोनों में आएगी, दोनों में आपको मैनुअल भी मिलेगा। ये देखो ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी दिया जाता है, कायरोटिक डीजल इंजन भी मिलेगा और ऑफ कोर्स अपना टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलने वाला है। ये एसी के कंट्रोल सेम टाटा नेक्सॉन वाली चीज है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। डैशबोर्ड का लुकआउट भी आप देख रहे होंगे सेम ही है, लेकिन फील आपको थोड़ा अलग सा होता है बस, बाकी कुछ नहीं। ये देखो काफी बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं इसे ओपन भी नहीं कर सकता। 6 एयरबैग्स आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको वो भी मिलेंगे। देखने लायक चीज जो है ना वो है इस गाड़ी के सीट्स और कलर कॉम्बिनेशन, मुझे पर्सनली ईवी से बेटर ये लगती है। ऑफकोर्स ईवी देखेगा भी कौन, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल तो नहीं है बट ये खुलता है कुछ ऐसे स्टिचिंग वगैरह, लेदरेट सीट्स, वेंटिलेटेड है ऑफकोर्स, ऑटो डिमिंग यहाँ पर आपको IRVM भी देखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं है यहाँ पर वाइजर पे, इस साइड में आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है भाई। 6 एयरबैग, सेफ्टी ऑफकोर्स 5 स्टार तो ये स्कोर करने ही वाली है चाहे जो हो जाए। यहाँ पर JBL के स्पीकर्स आपको मिलते हैं, बाकी ये देखो कुछ ऐसा। अब चलते हैं पीछे की तरफ, ये कोई रिव्यू नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मैं एक एक्सप्रेशन शेयर कर रहा हूँ अपना, क्योंकि अपने पास में चाबी नहीं तो क्या दिखाऊं। खैर वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ये थोड़ी सी लेदर फिनिश दी गई है। लंबाई इस देसी रूस की बहुत ढांसू है, साथ ही में देखो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लश डोर हैंडल्स ये देख रहे हो, आपको लाइटिंग देखने को मिलेगी जो कि अभी चाबी नहीं, ये तो ऑफ कोर्स जलेगा नहीं। वो व्हील बेस इस गाड़ी का तगड़ा आपको मिलता है, और बैठते हैं पीछे की तरफ। सो ये देखो भाई स्पेस बहुत ढांसू है यार, मस्त है। और साथ ही में यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे करके दिखा दूं, अब मैं थोड़ा नाटा हूं तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि मुझे तो बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है, बाकी बड़े लोगों को कैसी स्पेस मिलेगी आई डोंट नो। 3 पैसेंजर्स तो बैठ जाएंगे इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ये देखो आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स, बीच के पैसेंजर को सर नहीं मिलता बहुत सारी गाड़ियों में इसलिए देते नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आजू बाजू में, एयरबैग की ब्रांडिंग यहाँ पर भी देख रहे हो, ABS विद EBD, एडास लेवल 2 भी आपको इस गाड़ी के साथ में मिलने वाला है बॉस, और बहुत सारे फीचर्स है। हैंडल हुक, AC वेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, बाकी यहाँ पर USB पोर्ट और सी टाइप पोर्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। ट्विटर यहाँ पर है, JBL के स्पीकर जैसे कि मैंने कहा, 10 इंच की आपको टच स्क्रीन मिलने वाली, 10 नहीं वो बड़ी वाली टच स्क्रीन है, बहुत सारे आपको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेगी। बाकी मैं शायद अब यहाँ पर बूट भी ओपन नहीं कर सकता, लेकिन 500 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा इस देसी उरुस में। दिखने में तो बहुत भारी लगती है यार ये, LED लाइट्स है ऑफकोर्स। उसके अलावा यहाँ पर ये देख लो पार्किंग सेंसर्स, ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, यहाँ पर स्किड प्लेट भी है, कर्व की ब्रांडिंग, कैमरा यहाँ पर, और ये लोगो आप देख रहे हो यहाँ पर भी, लाइट आपको नजर आ रही होंगी, रिफ्लेक्टर्स है ये, रिवर्स लाइट यहाँ पर है। बाकी लंबाई इसकी बहुत ज्यादा होने वाली है नेक्सॉन से, फ्रंट से तो ये नेक्सॉन ही दिखती है बट साइड से आपको यहाँ पर उरुस दिखेगी। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर ऑफकोर्स, ये टॉप एंड मॉडल दे दो। ग्राउंड क्लियरेंस देखो भाई इस गाड़ी का, यहाँ पर भी ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, व्हील आर्क्स पर भी पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट जो कि बल्किनेस कम करता है, क्योंकि अगर वो नहीं देते ना तो बहुत अजीब दिखती गाड़ी। फिर अलॉय व्हील्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टॉप एंड में मिलते हैं 18 इंच के अलॉय व्हील्स, जिसका प्रोफाइल है 215/55 R18, गैप देख रहे हो यहाँ पर। SUV तो डेफिनेटली दिखती है ये, ऊपर की तरफ पैनोरामिक सनरूफ, और ये है यहाँ पर शार्क फिन एंटीना, 360 डिग्री कैमरा आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। और ये है इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब यहाँ पर ईवी के मुकाबले ये ग्रिल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे, टाटा का लोगो जो कि 3D दे दिया गया है। अभी चाबी भी चेंज करी इन्होंने बट अभी मेरे पास में है नहीं वो, तो उसके लिए सॉरी। बाकी यहाँ पर ये देखो नीचे की तरफ स्किड प्लेट सिल्वर फिनिश में, और यहाँ पर ये देख रहे हो LED DRS कुछ ऐसे सेम नेक्सॉन वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑफकोर्स, ये LED है, ये भी LED है। यहाँ पर एयर कर्टन आपको देखने को मिल जाएंगे फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ फीचर्स, फ्लश डोर हैंडल जैसे कि मैंने आपको कहा, वॉइस असिस्टेड, पैनोरामिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग, लार्जेस्ट बूट स्पेस विद फ्रंक,
शेप्ड फॉर इनोवेटिव टेक में छोड़ो इसको। 31 सेंटीमीटर की सिनेमैटिक टच स्क्रीन, आर्केड ईवी, एब्सोल्यूट जेबीएल की साउंड सिस्टम जबरदस्त है, पावर टेलगेट, वो कुछ गेस्चर ऐसे ऐसे करोगे तो खुल जाएगा, एडास लेवल 2 ESP आपको मिलेगा ऑफ कोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये थी भाई अपनी देसी उरुस, कैसी लगी जरूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि रेड कलर में बहुत ढासू लग रही है यार। तो डिटेल रिव्यू लेकर आते हैं, ये बस एक्सप्रेशन था, एक दिखा दे रहा था आपको ऊपर ऊपर से, बाकी ये देखो ये भी स्पॉइलर काफी मस्त दिया है। तो चलो डिटेल रिव्यू लेकर आते हैं बाद में।